नाम अर्चना भूपेंद्र है, मैं कोयम्बतूर तमिलनाडु से हूँ। हमारे बापू और नारायण साईं बिल्कुल निर्दोष है और हमारे लिए तो वो हमारे गुरुजन ही हमेशा रहेंगे। हम मरते जन्म तक हम अपने बापू जी से ही जुड़े रहेंगे, नारायण साईं से ही जुड़े रहेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, तार सरकार से, भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। अर्चना भूपेंद्र है, मैं कोयम्बतूर तमिलनाडु से हूँ। मैं बचपन से 5 साल से बापूजी और नारायण सिंह की शिष्य हूँ। और हम सालों से आप जुड़े हो आसाराम जी? नहीं, फ्रॉम 30 ईयर्स। अच्छा, मतलब बचपन से आश्रम? 5 साल से, मेरी जब 5 साल की उम्र थी। अच्छा, मतलब बचपन से आश्रम जा रहे हो, आसाराम जी बापू नारायण साईं जी से जुड़े हो। नारायण साईं जी यहीं लाजपुर जेल में करीबन 5 सालों से बंद है, उनके चरित्र हनन का आरोप लगा, उनके पिताजी आसाराम जी बापू पर भी आरोप लगा, उनको आजीवन कारावास की सजा हो गई। आप कोयम्बतूर से आए हो, क्या कहोगे एक महिला होने नाते? हमारे बापू और नारायण साईं बिल्कुल निर्दोष है और हमारे लिए तो वो हमारे गुरुजन ही हमेशा रहेंगे। और हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप उनको बाहर निकालिए और हमारी भक्तजनों की श्रद्धा एक्सेप्ट कीजिए, प्लीज़। बहन जी बता रहे हो बचपन से जुड़े हो, बचपन से आश्रम जा रहे हो, कभी कोई ऐसी गतिविधियां देखी कि आश्रम के अंदर ऐसे कोई काम होते हुए? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बचपन से जा रहे हो, आपने बताया वहाँ कुछ नहीं होता, तो जीवन में क्या फ़ायदा मिला वहाँ जाने से? बहुत कुछ मिला है, उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं ना। क्या कह रहा है भक्तों का दिल, साईं और बापू ऐसा काम कर सकते हैं क्या? बचपन से एक्सपीरियंस है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, कभी नहीं होगा ऐसे। और हम मरते जन्म तक हम अपने बापू जी से ही जुड़े रहेंगे, नारायण साईं से ही जुड़े रहेंगे। श्रद्धा में कोई कमी आई कि आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई? मैं एक भक्त नहीं हूँ, हमारे कई भक्त कोयम्बतूर में है, ईरोड में है, मैसूर में है। हम सब निवेदन करते हैं गवर्नमेंट से कि हमें प्लीज एक गुड न्यूज दें और बापूजी और नारायण साईं जी को बाहर निकालें। ये बहन कोयम्बतूर से आते हैं, इनका यही कहना है कि हम बचपन से वहाँ संत आसाराम जी बापू आश्रम के अंदर जाते हैं, नारायण साईं जी से और आसाराम जी बापू से बचपन से जुड़े हुए। उन्होंने बोला कि आश्रम में ऐसी कोई गतिविधियाँ होती ही नहीं, बोले वहाँ जब ध्यान और साधना और संयम सदाचार का पाठ पढ़ाया जाता है, इन्होंने बोला। और लगातार सरकार से भक्त लोग एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। बोले भले नारायण साईं जी को सूरत लाजपुर जेल में 5 साल हो गए, आसाराम जी बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, लेकिन भक्त आज भी आसाराम जी बापू नारायण साईं जी को निर्दोष मानते, आज भी उनको भगवान की तरह मानते। कैमरा में नंजन के साथ नीलेश ठक्कर, सूरत लाजपुर जेल से रफ्तार न्यूज।